हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा चांदी नामक धातु को, जो हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है, और चांदी का जीवन में क्या महत्व है, और चांदी से कैसे आपका भाग्य बढ़ता है, इसके कैसे पूजा करा जाता है, कैसे पहना जाता है, और चांदी से आप अपने कैसे चंद्रमा को अच्छा करके अपनी ग्रह दशा को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपना दाम्पत्य जीवन कैसे अच्छा कर सकते हैं, चतुर्दिक कैसे विकास कर सकते हैं, अपने मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं, चांदी की छोटी छोटी उपयोगिता क्या है जीवन में, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और चांदी का उद्गम कहाँ से हुआ और इसकी उपयोगिता धार्मिक स्थलों में या धार्मिक पूजा में क्यों बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। सोया हुआ भाग्य जगा सकती है चांदी। इस राशि के लोग रखे विशेष ध्यान जिससे उनका हो भाग्योदय। चांदी एक चमकदार और सफेद धातु है, जो कि हमारे जीवन में हर रोज इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य धातु है। कई बार देखा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु के रूप में माना जाता है, और चांदी की प्रयोग हमेशा किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका जो उद्भव स्थान है वह भगवान शिव शंकर के नेत्रों से हुआ है। चांदी ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। चांदी शरीर के जल तत्व तथा एक कफ धातु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांदी कहते हैं कि बहुत ही मध्य मूल्यवान होने के कारण इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए आज आम आदमी के जिंदगी में चांदी की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है और चांदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति सस्ता होने के नाते इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे चांदी हमारे सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। तो शरीर और ग्रहों पर इस क्या असर डालती है चांदी, ताई चांदी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। शुद्ध चांदी के प्रयोग से आपका मन नियंत्रण में रहता है, मन एकाग्र होता है। मन मजबूत होने से व्यक्ति का दिमाग जो है बहुत ही तीव्र हो जाता है और व्यक्ति का दिमाग तेज काम करता है। शुद्ध चांदी का प्रयोग पीड़ित चंद्रमा को ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है, और कहते हैं कि चंद्रमा शुभ प्रभाव देने लगता है और चंद्रमा के प्रभाव को ठीक करता है, उसी तरीके से शुक्र के भी प्रभाव को ये ठीक करता है। तो चांदी जब आप धारण करते हैं तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव को ये देने लगता है। कहते हैं कि चांदी का प्रयोग करके शुक्र को भी आप बलवान कर सकते हैं, और कहते हैं कि शुद्ध मात्रा में चांदी का प्रयोग करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। शरीर में जमा क्या होता है कि जो विष होता है वो बाहर निकल सकता है, और हमारी त्वचा को ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। त्वचा जो है आपका देखते हो कि कांतिमान बना देता है। चांदी का प्रयोग करने से त्वचा आपका कांतियुक्त हो जाता है, कांतिमान हो जाता है। और चांदी के प्रयोग में ही बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको प्रयोग करने में सावधानी बरतनी है। तो चांदी के प्रयोग में कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। चांदी खास तौर से जितनी शुद्ध होगी उतना ही अच्छा ये फल देने वाला होता है, और चांदी के साथ साथ सोना मिश्रित करके विशेष दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसका पहल कर सकते हैं। कहते हैं कि चांदी की बर्तनों को हमेशा साफ करके प्रयोग करने में आपको काफ़ी लाभ मिलता है, और कई बार देखते हैं कि जिन लोगों के यहाँ चांदी का प्रयोग होता है उसमें जो भावनात्मक संबंध परिवार में रहता है और व्यक्ति की परिवार में जो समस्याएं होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि परिवार में एका नहीं है, वैचारिक मतभेद रहता है, व्यक्ति को एकाग्रता नहीं रहती है, तो चांदी की बर्तन में खाना खाने से, चांदी का प्रयोग करने से इन सब चीज़ों को उनको लाभ मिलता है। और कहते हैं कि चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, किन किन को सावधानी रखनी चाहिए, खास तौर से जो कर्क राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं और मीन राशि वालों के लिए किया जाने वाला चांदी हमेशा अच्छा मानते हैं, वो उनके लिए अलग अलग तरह का होता है और उनके लिए लाभप्रद होता है। और दूसरे जो से मेष है, सिंह है, धनु राशि के लिए चांदी बहुत ही अनुकूल नहीं मानते, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा फल नहीं देता, सम फल देता है। और राशियों के लिए, किन राशियों के लिए चांदी का परिणाम सामान्य होता, आइए हम आपको बताते हैं। कहते हैं
कि चांदी के लिए किस्मत चमकाने वाले चांदी से आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं, उसके लिए हम आपको छोटे छोटे अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपके लिए धन प्राप्ति हो। तो धन प्राप्ति के लिए आप शुद्ध चांदी का छल्ला कनिष्ठिका अंगुली में धारण कर सकते हैं। इससे आपका मन एकाग्र रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, मन निर्मल रहेगा, मन तनाव में नहीं रहेगा, पॉजिटिव आप सोचेंगे और इससे आपके लिए अच्छा फल मिलता है। और कहते हैं कि चांदी कनिष्ठिका में प्रयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है और इससे क्या होता है कि जो अशुभ प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है चंद्रमा का, और शुक्र के प्रभाव को भी ये अच्छा करता है। और कहते हैं कि मन को संतुलित करने में भी इसकी भूमिका अच्छी हो जाती है और इससे धन की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि यदि पापी ग्रहों से चंद्रमा शुक्र पीड़ित हो तो उस समय शुद्ध चांदी के प्रयोग करने से क्या कैसे करेंगे प्रयोग, उसको क्या करेंगे कि गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, एक तो आपका मन नियंत्रण में रहेगा, बाणी आप अच्छा बोलेंगे, हार्मोन्स आपके संतुलित रहेंगे, कफ जनित रोग नहीं होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी और बाणी और मन आपका हमेशा एकाग्र रखने में इसकी भूमिका अहम होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में शुद्ध चांदी का प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और चंद्रमा के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर इसको हम धारण करते हैं तो हमको काफ़ी लाभ मिलता है। इससे क्या लाभ मिलता है, वात पित्त और कफ इससे नियंत्रित होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहने लगता है। जो त्रिदोष मानते हैं ना, वात कफ पित्त, तो इस चंद्रमा के प्रयोग करने से इन त्रिदोष को दूर होता है और आपका शरीर ठीक होता है। जैसे शरीर जो है तीन प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना है, वात कफ पित्त, इन तीनों को नियंत्रित करने वाला जो ग्रह होता है चंद्रमा होता है। तो इसमें अगर आप मोती ये चंद्रमा अगर चांदी को आप पहनते हैं शुद्ध अभिमंत्रित करके तो आपके त्रिदोष सामान्य होता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप अच्छा काम करते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। तो आज हमने आपको बताया कि चांदी का प्रयोग कब कैसे करा जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो छोटे बच्चे को पैदा होते ही उसको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे उसको पीलिया हो गया, कफ हो गया, पित्त हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और व्यक्ति को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, पेट की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में नवजात शिशु को अगर चांदी का चंद्रमा पहना दिया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। सोमवार के दिन चांदी का दान किया जाए तो इससे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और चांदी जो है, चांदी चंद्रमा के लिए कहा जाता है और कहते हैं कि चांदी का प्रयोग करने से आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों अच्छा होता है। तो आज हम आपको एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जैसे मान लीजिए कि नीच राशि का है, छठे में है, आठवें में है, बारहवें में, और चंद्रमा सब बहुत पीड़ित है, परेशान है, ऐसे परिस्थिति में आप सोमवार के दिन चंद्रमा को अगर मजबूत करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इसको दान पुण्य करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी। और कई बार क्या होता है कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एकाग्रता नहीं हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो चंद्रमा बना करके आप धारण कर सकते हैं तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई मन लगेगा, चोट चपेट नहीं लगेगा। तो देखा जाए तो चंद्रमा हर तरीके से एकाग्रता के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एलर्जी ठीक हो जाए इसके लिए, तो हर चीज़ों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमने आपको बताया कि आपके जीवन में चांदी का प्रयोग करके आप कैसे अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, शुक्र को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे पंचांग के बारे में, इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में, इसके बाद 12 राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आइए अभी हम आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 9 जुलाई 2019, दिन है मंगलवार, अष्टमी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में और शुभ समय 11:58 से लेकर 12:53 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 3:52 से लेकर 5:35 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 9 जुलाई, तो जो 9 जुलाई के जन्मे जातक हैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब प्रगति करें, आगे बढ़े, प्रभु से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे।
अब हम बात करेंगे कि जो 9 तारीख के जन्म जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो 9 तारीख के जन्म जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तो आज आपके प्रगति का योग बन रहा है, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक लाभ होगा और आपके मन प्रसन्न रहेगा, घर में संतान सुख मिलेगा और अगर कोई बात विवाद चल रहा हो तो उसमें आपको सफलता मिलते हुए भी दिख रहे तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा चल रहा, अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजय श्री मिलते हुए दिख रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, चतुर्दिक लाभ से भी मन आपका खुश रहेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होते हुए दिख रहा है और आज आपकी सरकारी नौकरी में पदोन्नत होने की भी संभावना दिख रही है। यदि आप कॉरपोरेट में या प्राइवेट कहीं भी किसी भी सेक्टर में होंगे तो आज आपको लाभ और प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है। पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने गुस्से पर विशेष तौर से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य देव की आराधना करें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए समय अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, धन धान की स्थिति मजबूत होगी, नए तरह के वाहन खरीद सकते हैं और जो भी आपका दायित्व है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या पारिवारिक समस्याएं हैं उसका समाधान होते हुए दिख रहा है। संतान की चतुर्थिक प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, संतानें बहुत अच्छा करेंगी और उत्तरोत्तर प्रगति उनकी होने की संभावना दिख रही है। अगर आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं तो आज आपकी पदोन्नत हो सकती है, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बड़ों की सलाह लेकर के करें या दूसरों की सलाह लेकर के भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, कोई भी अगर व्यक्ति जरूरतमंद है, नीडी है, उसकी जरूर मदद करें, उसको खाना खिलावें, भोजन करावें, बहुत अच्छा रहेगा। वस्त्र अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं आज आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है, आपके परिवार में बहुत दिन से जो चिर प्रतीक्षित है शुभ कार्य होना, वो शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। अगर आपका कोई भाई बहन अविवाहित है तो उसके विवाह होने की संभावना बन रही है। रोजी रोजगार के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, गोल्डन समय चल रहा है, इसमें आपको लाभ मिलेगा और आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, माली हालत सशक्त होगी। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है और पत्नी की हेल्थ को लेकर के तनाव की स्थिति बनी रहेगी। माता का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु जी की आराधना करें और दूसरा क्या करना है कि किसी सुहागन महिला को सुहाग की वस्तु उपहार में दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं यह समय आपके लिए चिंतन मंथन करने का समय है कि आप कैसे प्रगति करेंगे, अपनी एनर्जी को इवेल्युएट करने की समय, अपने को मूल्यांकन करने की जरूरत है, सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है कि अपने कैसे प्रगति करेंगे, अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाएंगे, इस समय का चल रहा है महत्वपूर्ण समय। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आप अपना कीमती समय वाद विवाद में, झगड़े में न बितावें, उसका समय का सदुपयोग करें। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, कटु भाषा बोलने से परहेज करें, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और नए तरह के कार्य होंगे, परिवार में नए मेहमान के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उतावलेपन में कोई कार्य न करें, यह ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख के भगवान शिव को अर्पित करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आपको बहुत सारे सुंदर अवसर मिलेंगे, तो उस अवसर का कैसे लाभ लेना है इसका आज आपको ध्यान रखना है और जो भी आपकी सोच है, महत्वाकांक्षा, जो आपने प्लान कर रखा है, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो सारे कार्य
होंगे। चैरिटी के कार्यों में आपका मन लगेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और अचानक दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपकी छोटी छोटी बात को लेकर के पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इस पर लेकर के आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जरूरत है रिश्तों में मध्यम मार्ग अपनाने की। माली हालत आपकी सशक्त होगी, नई नौकरी मिल सकती है, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, दूर देश की यात्रा हो सकती है। अगर आज आप कोई नया इंडस्ट्री, नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतरीन है। उसके लिए फल करिए, आपको सफलता मिलेगी। जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि बेवजह वाद विवाद न करें, और जो आपका समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए बेहतर होगा, और उसमें लाल वस्त्र दान कर दीजिए, गेहूँ दान कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोई गरीब आदमी तो उसको भोजन करावे, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके सामने ढेर सारे गोल्डन चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उस अवसर का लाभ लेने की जरूरत है। आज आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी जो भी विजन है, आइडिया है, इम्प्लीमेंट होगा, दूरदर्शी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही है। चरपहिया वाहन खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीदने का भी प्रबल योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, और आज आपको शत्रुओं से थोड़ा सा मन में तनाव की स्थिति हो सकती है, और मन में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपनी गोपनीयता बनाए रखना है। उपाय क्या करना है, आज क्या करें कि हरी वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो जो तुला राशि के जातक होते हैं बड़े ही सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, बड़े बैलेंस होते हैं, दूसरों से भी ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं। अगर उनकी अपेक्षाओं पर कोई खरे नहीं उतरता, दुखी हो जाते हैं। आज आप बहुत ऐसे कार्य करेंगे कोई महत्वपूर्ण, जिससे आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, चैरिटी कार्यों मन लगेगा, राजनीति में रुचि बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और आपकी दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, भूमि भवन से लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट में अगर किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, और थोड़ा सा धन खर्च से, बहुत ज़्यादा अचानक खर्चे बढ़ जाने से, लायबिलिटी बढ़ जाने से आपको थोड़ा सा मन तनाव में हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है तो अगर उसको भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और चूंकि मौसम बहुत गर्म है, तो इसमें क्या करेगा, कोई पशु पक्षी चिड़िया है उसको दाना पानी अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए समय जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर भूमि भवन माइंस में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभ का सौदा होगा। भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है, पदोन्नति से भी लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और नई नौकरी मिल सकती है। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है, छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव न पालें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव रहें, और आज आप थोड़ा अध्यात्म का सहारा लें और किसी गुरुजन के सहयोग से काफ़ी आगे बढ़ेंगे, समस्याओं का समाधान होगा और माता पिता का सुख मिलेगा। पिता के सहयोग से बड़ा कार्य कर सकते, उसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की सलाह लेकर के ही किसी कार्य की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, पीली हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखें, आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा, कर्म कांड में आपकी रुचि बढ़ेगी, पांडित्य कर्मों में काफ़ी आगे बढ़ेंगे, उसमें अच्छा होगा, ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के साथ साथ पदोन्नत होने की भी संभावना बन रही है, और आज आपकी माली हालत सशक्त होगी, नया व्यापार कर सकते, उसके लिए समय आपका बहुत ही बेहतर चल रहा है। शासन सत्ता सरकार से लाभ मिलेगा, रियल इस्टेट से लाभ मिलेगा, भूमि भवन से लाभ मिलेगा, जिद आज आप स्कूल कॉलेज और टेक्निकल स्कूल इत्यादि खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है,
अपने को थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है, गुस्सा ना करें तो बेहतर होगा। उपाय क्या करना है, एक तो आप बंदरों को केला खिलाएं और ये ध्यान रखें कि अपने हाथ से नौ जो है पौधा लगावें, नौ पौधे लगावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको प्रतिदिन छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिसका पालन करते आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो आज है दिन मंगलवार, तो आज आप क्या करें कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप बंदरों को चना खिलाइए। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की किसी भी को अगर मान लीजिए कि बच्चे की पेट की समस्या है, या अगर आपका न्यायालय में कोई विवाद चल रहा होगा, या मंगल से जनित कोई भी समस्या आपके परिवार घर में होगा, तो सबका समाधान होगा। तो आप क्या करें कि 21 मंगलवार आप बंदरों को भुना हुआ चना जरूर खिलाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया गुरु के नुस्खे में कि बंदरों को चना खिलाना आपके लिए कैसे लाभप्रद होगा। अब हम बात करेंगे जो अंतिम तीन राशियां बची हुई हैं मकर, कुंभ, मीन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि, तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा चले। एक तो आज आपको रुका हुआ धन मिलेगा, आपके पुराने मित्र मिलेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। माली हालत अच्छी होगी और उत्तरोत्तर प्रगति होने की संभावना दिख रही है। यदि आप लेखक हैं या लेखन कार्य में रुचि रखते हैं तो इससे आज आपको लाभ मिलेगा। और मीडिया में अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो आज आपको पदोन्नत हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, साथ ही साथ स्थानांतरण हो सकता है, नए प्रकार के असाइनमेंट आपको मिल सकता है और पत्नी से थोड़ा सा मन में अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। अज्ञात व्यक्ति को इसके लेकर के उससे कोई नया व्यापार ना करें, उसमें आपको धोखा मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और नई नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, संतानें बहुत अच्छी करेंगी और घर परिवार में जो भी आपकी दायित्व जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण करने में सफल रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, आज आप बेवजह गुस्सा न करें, इससे आपकी कार्य बिगड़ सकता है। और भाषा का भी ध्यान रखें, कटु भाषा न बोलें, अगर मीठा बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। पाए क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाइट ग्रे, हल्का लाइट ग्रे है, और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आपने जो भी प्लान किया है, सोच रखा है, वह समस्त कार्य आपका संपन्न होते हुए दिख रहा है। अचानक दूर देश की यात्रा से मन आपका प्रसन्न रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। संतान सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी। सावधानी क्या बरतनी है, आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करें, ध्यान रखें कि खर्चे कैसे कब कहाँ करने इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय में क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल, और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। एक तो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपके परिवार में शुभ कार्य नहीं हो रहा, कोई नया मेहमान नहीं आ रहा है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, किसी की शादी विवाह तय हो सकती है, और घर में नया मेहमान आ सकता है, किलकारी गूंज सकती है, उसके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। जीवन संगनी का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी को नौकरी मिल सकती है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव न पालें, अस्पष्टवादिता आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है। पदोन्नत के साथ साथ नई नौकरी मिल सकती है। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, ध्यान रखना है सावधानी में कि दिल के बजाय, कई बार क्या होता है कि अब दिल से निर्णय तो आपके लिए ठीक नहीं होता, तो दिमाग से निर्णय लें, दिल को हावी न होने दें। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय में यह करना है कि पीला वस्त्र मंदिर में दान करें और किसी गरीब आदमी को भोजन करावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। तो आज हमने बताया कि चांदी की क्या उपयोगिता होती है जीवन में, और चांदी का प्रयोग करके अपने चंद्रमा और शुक्र को कैसे ठीक कर सकते हैं, और चांदी युक्त सोना, अगर सोना सोना का पानी मिला हुआ चांदी पहनते हैं तो आपकी ग्रह स्थिति कैसे ठीक हो सकती है, आपका सोया हुआ भाग्य कैसे जागृत होगा, इस प्रयोग से आपको कितना लाभ मिलेगा, इस सब मैंने आपको बताया विस्तार से।
अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कल कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। तो आइए आपको बताते हैं, कल है 10 जुलाई 2019, दिन है बुधवार, नौमी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा तुला राशि में और शुभ समय कल खरीदारी के लिए नहीं है। तो खरीदारी करने से, नया कार्य करने से कल बचना चाहिए। और राहु काल है 12:26 से लेकर 2:09 अपराह्न काल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।